दो दिन से ज्यादा हो गए किसान लोग बैठे हुए, 300 के आसपास किसान शहीद हो गए बैठे बैठे, ये उनको 2 मिनट का मौन धारण भी नहीं करा गया है सरकार। ये तो लुटेरों की सरकार है, लुटेरों की। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो बातचीत जरूर कर लेती। पता चला कि सारे दिल्ली के नेता बंगाल में ही है, तो मोर्चे ने भी तय करा कि भाई बंगाल में तो वहीं चलो, वहीं तलाश करो, कहीं मिलते हैं क्या। दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, उनका क्या करा? MSP पे कानून क्यों नहीं बन रहा? 3 बिल जो लेकर आए हैं वे वापसी क्यों नहीं हो रहे? तो ये देश धीरे धीरे बिकना लग रहा है। इस देश को बचाना है तो कंपनी की सरकार को यहाँ से जाना हो। वे गोरे अंग्रेज थे, ये हमारे ही बीच से निकल कर आगे उन्हीं कंपनी से इनका समझौता है। पूरे सेक्टर बेच दिए, सब विभाग बिक गए। अगर देश को बचाना है तो जिस तरह की ये सरकारें हैं उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन इन ठग ठगी सरकारों से बचना पड़ेगा। भारत सरकार जब तक बातचीत नहीं करेगी ये आंदोलन जारी रहेगा, पूरे देश भर में हम जाएंगे। बीजेपी को तो आपको वोट देना ही है और दूसरे को आप देख लेना जिसको देना। जब तक बिल वापसी नहीं है तो किसान ने कह रखा है कि घर वापसी नहीं होगी। MSP का कानून नहीं बनेगा तो घर वापसी नहीं होगा। और तो घर जीत के ही जाना है, बगैर जीते घर जाना ही नहीं। आपकी एक मुट्ठी चावल में उनसे चावल देने वाला किसान ये जरूर पूछ लेना कि मेरे धान की MSP कब मिलेगी जो आपने दिल्ली में बैठ के तय करी, ये जरूर पूछ लेना उससे। जाएंगे क्योंकि यहां पे तो शहरी लोग जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आएगा। जब गांव में जाएंगे, नंदी गांव जाएंगे, तो वहां पे जरूर ये क्वेश्चन रहेगा। पूरे देश का एक बड़ा मामला दिल्ली में चल रहा, 100 दिन से ज्यादा हो गए किसानों को बैठे हुए, 300 के आसपास किसान शहीद हो गए बैठे बैठे, और ये देश में पहली बार देखा कि उनको 2 मिनट का मौन धारण भी नहीं करा गया है सरकार ने। तो ये क्या हाल देश का करेगी? ये तो लुटेरों की सरकार है, लुटेरों की। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह बातचीत जरूर कर लेती, क्योंकि जब जब भी किसी पार्टी की सरकार हुई तो उसने बातचीत किसानों से जरूर करी। लेकिन जब सरकारें व्यापारियों के हाथ में आ जाए और कंपनियां सांसद को चलाएगी तो फिर वो बातचीत नहीं करती, उससे व्यापार प्रभावित होता है। वे आपके बीच में आए हैं, यहां पे पता चला कि सारे दिल्ली के नेता बंगाल में ही हैं, तो मोर्चे ने भी तय करा कि भाई बंगाल में है तो वहीं चलो, वहीं तलाश करो, कहीं मिलते हैं क्या। कहीं आपको भी मिला तो जरूर पूछना है क्वेश्चन। ये दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, उनका क्या करा? देश में MSP पे कानून क्यों नहीं बन रहा? 3 बिल जो लेकर आए हैं वे वापसी क्यों नहीं हो रहे? उसके साथ में और बिल भी है, पेस्टिसाइड बिल है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, 10 साल पुराना जो यहां पर ज्यादातर ट्रांसपोर्टर होंगे आप, क्या ट्रक 10 और 15 साल में खत्म हो जाता है? क्योंकि ट्रक कंपनियों को फायदा जब होगा जब आपका ट्रक क्रैश होगा, टूट जाएगा। तो ये देश धीरे धीरे बिकना लग रहा है। इस देश को बचाना है तो कंपनी की सरकार को यहां से जाना होगा। ये क्रांतिकारी की जगह है जो बंगाल है ना, यहां पे पहले भी कंपनी का राज हुआ, अंग्रेज ने भी जब शासन करा तो बंगाल में उन्होंने राजधानी बनाई पहले, और कंपनी थी, कंपनी से पूरे सरकार में शामिल हुए। ये भी दोबारा वही लोग हैं, वे गोरे अंग्रेज थे, ये हमारे ही बीच से निकल कर आगे उन्हीं कंपनी से इनका समझौता है। पूरे सेक्टर बेच दिए, सब विभाग बिक गए। अगर आंदोलन ना होता तो अब लोग रेल के रूट बन गए थे, इसलिए रेल नहीं चल रही। रेल कोई कोरोना से नहीं बंद हो रही,
रेल के रूट बिक गए पूरे, वे तय होने, कंपनियों को दे दिए पूरे के पूरे। तो अगर देश को बचाना है तो जिस तरह की ये सरकारें हैं उसको हटाना पड़ेगा। आप वोट जिसको दे लेना, लेकिन इन ठग ठगी सरकारों से बचना पड़ेगा, ठग ठगी सरकारों से बचना पड़ेगा। इन्हें पूरे देश को बर्बाद करा है, और खास करके किसान बिरादरी, जब व्यापारी, जब कंपनियां अनाज खरीदती है तो जब अपने आप भाव लगाती है, जब वो बेचती है जब अपने आप भाव लगाती है, भैया किसान और कंज्यूमर कहां जाएगा? ना ये लेते भाव लगा सकता और ना ये देते भाव लगा सकता, तो कौन सी पॉलिसी है? ये आंदोलन आपको करना पड़ेगा। किसान हैं हमारे पूरे जो लीडर हैं, उन्हें पूरा मोर्चा संभाल रखा है। हम जब जब भी जो भी विभाग हमको मिलता है वो एक ही चीज कहता है कि जी हटना नहीं, पीछे हट मत जाना। तो इसका मतलब है कि सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट तंग हैं। 2022 तक रेलवे के 4.5 लाख कर्मचारी हटाए जाएंगे, टेलीफोन डिपार्टमेंट खत्म हो गया, हवाई जहाज में बिक गए, एयरलाइन जितनी थी वे जाली, एयरपोर्ट बिक गए, बचेगा क्या? उन्होंने सोचा कि भूख पे व्यापार करो, अब अनाज पे व्यापार करो। बड़े बड़े गोदाम पहले बन गए और देश में कानून बाद में आया। उनका मकसद था कि देश के अनाज को इकट्ठा करो, आदमी को भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे कीमतें तय करो। और यहां पे मजदूर, ये किसान, तीन ही चीज बनेंगे जो आम जनता होगी। यहां पे मजदूर बचेगा, रोटी खाने वाला आदमी बचेगा और वोटर बचेगा। 3 साल अग्नि बचने वाला कुछ भी, सब जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, उनके हाथों में जाएगा सब। यह आंदोलन चल रहा है कि रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देना, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। यह आंदोलन है पूरी दुनिया में, आंदोलन भारत में चल रहा है, पूरी दुनिया में कानून बन रहे हैं कि भूख पे पूरी दुनिया में व्यापार नहीं होगा। तो ये आंदोलन के साथ में आप लोगों को आगे चलना, हमें नहीं पता इलेक्शन में क्या होगा। भारत सरकार जब तक बातचीत नहीं करेगी, जो हमारे इशू हैं, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, जो 40 लोग हैं कमेटी के, उनसे बातचीत नहीं करेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश भर में हम जाएंगे, अपने इशू के साथ में जाएंगे देश भर में। जो जो भी लोग आंदोलन में आएंगे उनको नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन एक भी आदमी टूटेगा नहीं। कोई भी सरकार को कमजोर कड़ी नहीं मिली 40 आदमियों में, कोई नहीं टूटने का। कमेटी में 5 आदमी हो जाओ, 10 आदमी हो जाओ, 50 आदमी हो जाओ, जो भी फैसला लेते हैं सब लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे देश खड़ा हुआ है, उसके लिए पीछे व्यापारी खड़ा हुआ है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी, वे भी खत्म होंगी, देश से साप्ताहिक बाजार भी खत्म होंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही जिसके पास में 10,000 से भी ज्यादा पानी के जहाज हैं, वो एक देश का माल उठाकर दूसरे देश में फेंक देगी, भाव का पता भी नहीं चलेगा कि कब भाव कम होंगे कब ज्यादा होंगे। आलू का भाव अभी 2 महीने पहले 40 रुपए किलो था, आज किसान का 5 और 6 रुपए किलो बिक रहा। मक्का का क्या हाल हुआ, धान का क्या हाल हुआ, आटे का क्या हाल है? लेकिन किसान को नहीं मिलेगा, ना कंज्यूमर को मिलेगा। हमको बीच का जो एक, ये जो कंपनी बीच में आ रही है इसको हटाना है, जो सरकार चला रही है उसको हटाना पड़ेगा। तो आप लोग, क्योंकि यहां पे प्रेस के लोग भी हैं,
तो ये जरूर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे तो चुनाव है और आप नॉन पॉलिटिकल है, तो बिल्कुल सब लोग का एक ही वो है कि भाई हम बीजेपी के लिए तो वोट मांगने आए नहीं, बीजेपी को तो आपको वोट देना ही है और दूसरे को आप देख लेना जिसको देना, जो आपको ठीक लगे उसको दे देना। जब तक सरकारें हमारे से बात नहीं करेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, पूरे देश में ये लोग जाते रहेंगे। रोज 10 से 15 मीटिंगें हो रही है रोज, सरकार कह रही है ये बात करेगी नहीं, मगर नहीं करेगी भाई, सर्दी में कर लेगी बात। हमने तो 8 महीने लोककार उत्सव का प्लान बना रखा है, अभी जब भी सरकार बात करेगी जब भी कर लेगी, पक्के मकान बनने शुरू हो गए वहां पर सड़कों के ऊपर, पुराण लग गए, आगे बरसात आएगी उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, उसके आगे फिर सर्दी आ जाएगी फिर करना पड़ेगा, लेकिन सर्दी लोग को निमट जाएगा केस, सर्दी लोग को निमटा जरूर देंगे मामले को, सर्दी लोग को आर पार हो जाएगी। तो ये है कि आप अपना जुड़ो, अपने भाई काम करो, सब लोग अपने लोगों से यहां पर हो तो बात करो, दूसरे स्टेट में उसमें भी बात करो, और ये भी बातचीत का पता चला के यहाँ के लोगों ने खाप पंचायत से मदद मांगी कि हरियाणा की खाप पंचायत हमें मदद दे दे यहाँ पे, तो बहुत लोग आ गए यहाँ पे मांग के, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, पता चला कि सबका यही है कि हमको भी बंगाल जाना, वही जाना तो तब पता बताएंगे सारे लोग बैठे, और मिलगी पूरी टीम, आते रहो अपना ट्रेन में बैठ बैठ के, आते रहो उनका, उन्हें गांवों के रास्ते बता देना, करते रहेंगे वे जो करना उनको। तो आप लोगों ने बातचीत सुनी यहां पे, आपका सबका धन्यवाद है। जब तक बिल वापसी नहीं है तो किसान ने कह रखा कि घर वापसी नहीं होगा, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो घर वापसी नहीं होगा, और लड़ाई भिड़ाई बड़ी सरकार से है, मोर्चे पक्के खुल रहे, पीछे किसी को हटना नहीं, घर के छोटे बच्चे से भी बुझे तो भी ये कहता है कि बिन वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये नारा लग गया, अगर कोई आपको नहीं बुला रहा तो भाई कैसे जाओगे घर, तो अब तो घर जीत के ही जाना है, बगैर जीते घर जाना ही नहीं।